है। हाय माय लवीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ चिटचैट टाइप वीडियो। सो यस, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बहुत बार बताया है आपको अपने वीडियो में, व्लॉग्स में, कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है लास्ट 8 मंथ से। सो लाइक मैंने शैम्पू चेंज किया, होम रेमडीज़ ट्राई करी, इनफैक्ट मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया, एलोपैथी मेडिसिन भी मैंने खा ली, बट मुझे एज सच कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। यू कैन इमेजिन, मतलब ये जो मेरे बाल बचे हैं ना, ये 1/4 रहे हैं अभी। इतना ज़्यादा मतलब डेंसिटी थी मेरे बालों में। आप मेरे आई थिंक 1 साल पहले अगर वीडियो उठा के देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हैवी बाल थे मेरे। सो इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि यार अभी मुझे कुछ होम्योपैथी में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि डाइट, योगा, एक्सरसाइज ये सब मैं डेली रूटीन में करती हूँ, डाइट भी अच्छा लेती हूँ, बट फिर भी हेयरफॉल नहीं कंट्रोल हो रहा था। तो होम्योपैथी के अंदर मुझे सबसे बड़ा नाम जो लगा, दैट वन इज़ डॉक्टर बत्रा। लाइक इनकी बहुत जगह ब्रांचेज है, बहुत सारे क्लिनिक्स है ऑल ओवर इंडिया में, इनफैक्ट इनके इंटरनेशनल भी क्लिनिक है। सो काफ़ी सारा सर्च किया था मैंने, इनके रिव्यूज वगैरह देखे थे, के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो यार डॉक्टर बत्रा क्लिनिक ही जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर बत्रा का अपना एक्सपीरियंस, लाइक वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट्स है, कैसे आपसे क्वेरीज ली जाती है और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, सारा सब कुछ आपको डिटेल से पता चलेगा। सो यहाँ मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे, जस्ट बिकॉज कि मेरा ये फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं भी कभी डॉक्टर बत्रा की क्लिनिक नहीं गई थी। सो मुझे भी ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे अपने मन में कि यार कैसा होता होगा, क्या इनकी प्रोसेसिंग है, कैसे ये फी लेते हैं, कितना सक्सेस है कि नहीं है। तो आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फटाफट से आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो दिस इज़ 16 दिसंबर और हम लोगों ने एक दिन पहले की अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था कॉल पे ही। सो हमें मिली थी 11 o'clock की अपॉइंटमेंट। सो हम 10 बजे अपने घर से निकल गए थे। 6 से 7 किलोमीटर दूर था हमारे यहाँ से डॉक्टर बत्रा का क्लिनिक। सो काफ़ी बड़ा क्लिनिक था, डिफरेंट से कैबिन्स बने हुए थे। सो वहाँ जाके मुझे पता चला कि डॉक्टर बत्रा के यहाँ पर स्किन ट्रीटमेंट भी होता है। अदरवाइज़ मुझे ये पता था कि डॉक्टर बत्रा ना हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। सो वहाँ पर आपको अलग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं और एक फार्मा डिपार्टमेंट उनका अलग से था, जहाँ पे डिफरेंट तरह की मेडिसिन, शैम्पू, कंडीशनर या स्किन के लिए क्रीम, मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम, इस तरह के अवेलेबल थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके आपको वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है, कुछ आपकी पर्सनल डिटेल होती है और बाकी जो आप जिस पर्पज़ से वहाँ गए हो उससे रिलेटेड एक पूरा फॉर्म होता है, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। लाइक आपका डेंसिटी की प्रॉब्लम है या आपको हेयरफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, कितना हेयरफॉल है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पे फिलअप हो जाते हैं। सो फॉर्म फिल होने के बाद वो आपका प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं, लाइक आपकी हाइट, वेट, आपका बीपी, आपकी हार्ट रेट, वो सारा सब कुछ अच्छे से वो मेजर करते हैं। एंड देन उसके बाद वो आपको भेजते हैं डॉक्टर के यहाँ पे। सो डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है उनको। बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपकी लाइक हिस्ट्री या आपका जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, घर में किसी को हेयर लॉस है क्या, कितने टाइम से हो रहा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो, लाइक कितना आपको हेयरफॉल नज़र आता है या कब से प्रॉब्लम है, मतलब पूरी हिस्ट्री पूछी जाती है आपके हेयर लॉस से रिलेटेड। सो मैंने पूरा अच्छे से बताया था डॉक्टर को। एंड देन वो उन्होंने मेरा चेक किया था कि कितना हेयर लॉस हो रहा है या कितनी डेंसिटी कम हुई। तो प्रॉपरली वो एक बार तो वो मैन्युअली चेक करते हैं एंड उसके बाद उनके पास एक कोई ना ऐसी डिवाइस होती है माइक्रोस्कोप टाइप की, वो आपको स्कैल्प पे लगा के और प्रॉपरली देखते हैं कि आपके बाल कितने दूर में हैं या कितने पतले हैं, कितने मोटे हैं, डैंड्रफ है या नहीं है। सो उस पर्टिकुलर डिवाइस से पूरा मॉनिटर पे आ जाता है आपका जो भी स्कैल्प की प्रॉब्लम रहेगी या डेंसिटी की प्रॉब्लम रहेगी या कितने आपके थिनिंग है या कितना आपका पैचेस हो रहे हैं स्कैल्प पे। सो सारा सब कुछ ना डिवाइस पे नज़र आ गया था। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे प्रॉपरली समझाया था कि हेयर लॉस क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके। सो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है। कुछ डाइट के कारण होता है, किसी का जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या किसी का हार्मोन्स के कारण, मतलब लेडीज़ का जनरली हार्मोन्स के कारण काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस या थायराइड वगैरह है तो इन सब की इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पहले ही आपसे ले लेते हैं। और डॉक्टर को भी स्कैल्प को देख के पता चल जाता है कि कितना थिनिंग हेयर है और कितना थिक हेयर है, पैचेस है या नहीं है, क्यों इनको हेयरफॉल हो रहा है। सो काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस और डिवाइस के थ्रू डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि हेयरफॉल क्यों हुआ है। कारण समझ में आने के बाद वो लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो ट्रीटमेंट उनके काफ़ी डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक एक हेयर लॉस ट्रीटमेंट होता है, एक उनका हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट होता है। सो आई थिंक अभी डॉक्टर बत्रा ने ना जो हेयर ट्रांसप्लांट वाला था वो तो बंद कर दिया, बट इससे रिलेटेड ना 2-3 ट्रीटमेंट्स उन्होंने मुझे बताए थे। फिर हम लोगों ने एक पिक किया था कि फ़िलहाल हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट को देखते हैं, हेयर रीग्रोथ को बाद में देखेंगे, पहले हेयर फॉल जो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ किया था, तो यहाँ पे बहुत लो लेवल की रेज़ आपके स्कैल्प पे डालते हैं वो, जिससे कि एक डिजिटल टाइप की मसाज आपके स्कैल्प पे मिलती है। एज सच मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा था, बट वो रेज़ आपके पोर्स को क्लियर करती है और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करती है। एंड उसके बाद वो डिफरेंट रूम में लेके गए थे मुझे, वहाँ पर पहले सेम प्रोसेस हुआ था, लाइक उन्होंने स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लियर किया था। एंड उसके बाद वो पहले आपको थोड़ा सा हीट टाइप की मसाज देते हैं, लाइक एक हीटिंग टूल होता है उससे आपको मसाज दी जाती है, उससे भी आपके पोर्स ओपन होते हैं और एकदम आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, लाइक आप प्रिपेयर हो जाती है आपकी स्कैल्प इस प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। एंड उसके बाद एक डर्मा रोलर होता है उनके पास, जिसके अंदर 0.5 mm की निडल्स होती है, तो उसके थ्रू उन्होंने मसाज किया था। काफ़ी लाइट मसाज था, लाइक थोड़ा सा टिंगलिंग होती है क्योंकि वो निडल थी, बट वो बहुत जेंटली मसाज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। एंड उसके बाद उन्होंने एक प्लांट प्लाज्मा करके एक कुछ मेडिसिन थी वो उन्होंने मेरे स्कैल्प पे डाली थी। और उसके बाद उन्होंने अगेन मुझे कूलिंग टेम्परेचर में लाइक पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा मसाज दिया था और उसके बाद -10 पे थोड़ा सा मसाज दिया था। तो प्रॉपर्ली मशीन है जिसके थ्रू वो पूरा सेट करते हैं कि 10 से 15 मिनट्स की मसाज देनी है, उसके बाद में अगेन -10 टेम्परेचर पे इतने मिनट्स की मसाज देनी है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ था। ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स मुझे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में लगे थे। तो जब भी आप जाओ अच्छे से टाइम निकाल के जाओ, और इनकी डिफरेंट सीटिंग्स होती है, लाइक 15 डेज़ में आपको एक बार बुलाया जाता है, उसमें सारा प्रोसेस करते हैं और कुछ मेडिसिन कुछ डाइट प्लान आपको बताए जाते हैं, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लाइक इनके जो प्लान्स है वो 3 मंथ से स्टार्ट होके 2-3 ईयर्स तक जाते हैं। सो हम लोगों ने सोचा कि यार पहले ना छोटा वाला प्लान लेते हैं, लाइक 3 मंथ्स वाला लेते हैं, अगर 3 मंथ्स में हमको इम्प्रूवमेंट नज़र आए तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, नेक्स्ट वाला प्लान ले लेंगे। सो इसमें हमने फ़िलहाल लिया है ये वाला जो इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर देती हूँ। सो कुछ इस तरह के इनके प्लान्स हैं। जो फर्स्ट वाला प्लान है वो हमने ये लिया है सिर्फ हेयर ट्रीटमेंट वाला। सो बेसिकली उन लोगों ने ना मुझे ये वाली फाइल भी दी है, इसके अंदर काफ़ी कुछ आपका जो डाइट प्लान है और जो मेडिसिन वगैरह दी है वो सारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। इनफैक्ट आपकी सारी पल्सेस, ब्लड प्रेशर एंड PFL, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड शुगर, इन सबको चेक किया है। और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगी तो ये फिर से उनका सारा चेक होगा और फिर देखा जाएगा कि मतलब कितना इम्प्रूवमेंट आया है। सो यस, हमने 3 मंथ्स वाला प्लान लिया है। सो 3 मंथ्स जैसे ही हो जाएंगे, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ फॉर श्योर शेयर करूंगी। तो या गाइज, अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो या मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।